हेलो एवरीवन, कार्ड एकेडमी की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। HDFC ने रिसेंटली अपना वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कार्ड रिगालिया का एक वेरिएंट रिगालिया गोल्ड लॉन्च किया है। तो आज हम इस वीडियो में इस कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स को डिस्कस करेंगे और एंड में अपना वर्डिक्ट देंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं इस कार्ड की ज्वाइनिंग एंड रिन्यूअल फी से। तो इस कार्ड की ज्वाइनिंग एंड रिन्यूअल फी है 2500 रुपये प्लस GST। अगर रिन्यूअल फी वेवर की बात करें तो अगर आपके पिछले साल का खर्चा मिनिमम 4 लाख या उससे ऊपर का है तो आपकी एनुअल रिन्यूअल फी 100% वेव ऑफ हो जाती है। अब अगर वेलकम बेनिफिट की बात करें तो आपको एक 2500 रुपये का गिफ्ट वाउचर मिलता है, लेकिन रिन्यूअल फी पे करने के बाद आपको कोई रिन्यूअल बेनिफिट नहीं मिलता है। तो आपकी ज्वाइनिंग फी रिकवर हो जाती है लेकिन रिन्यूअल फी रिकवर नहीं होती। चलिए अब डिस्कस करते हैं इस कार्ड के नॉन स्पेंड बेनिफिट्स। तो आपको मेन बेनिफिट मिलता है लाउंज एक्सेस का। आपको इंडियन एयरपोर्ट टर्मिनल पर 12 कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलते हैं एक साल में, और आपको ओवरसीज एयरपोर्ट पर भी लाउंज एक्सेस मिलता है थ्रू प्रायोरिटी पास। आपको प्रायोरिटी पास के थ्रू 6 कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस मिलते हैं एक साल में। ध्यान रखें कि अनलाइक काफी सारे कार्ड्स, आपको प्रायोरिटी पास के लिए अप्लाई करना पड़ता है जब आप कार्ड एक्टिवेशन के बाद 4 ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। आप प्रायोरिटी पास अपने लिए और एड ऑन कार्ड होल्डर के लिए ले सकते हैं, लेकिन आपको साल में मैक्सिमम 6 कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस ही मिलेंगे। एक और जो बेनिफिट मिलता है वो है एयरपोर्ट पिक एंड ड्रॉप का। तो अगर आप स्मार्ट बाय प्लेटफॉर्म के थ्रू फ्लाइट टिकट्स बुक करते हैं इस कार्ड से, तो आप एक उबर का वाउचर रेट कर सकते हैं, जिससे आप एयरपोर्ट पर पिक या ड्रॉप की फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। आप एक क्वार्टर में मैक्सिमम 2 बार ही बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं इस कार्ड के स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स। स्टार्ट करते हैं बेस्ड रिवॉर्ड रेट से। तो आपको हर 150 रुपये के खर्च पर 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। आपको फ्यूल, EMI ट्रांजैक्शन, कैश विड्रॉल, वॉलेट लोड, रेंट पेमेंट्स एंड गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन पर कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। और एक और पॉइंट नोट करें कि आप मैक्सिमम 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही अर्न कर सकते हैं इंश्योरेंस ट्रांजैक्शन पर एक दिन में, एंड ग्रोसरी ट्रांजैक्शन पर एक कैलेंडर मंथ में 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स का कैप है। बेस रिवॉर्ड पॉइंट्स के बाद बात करते हैं एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स की। तो आपको इस कार्ड से कुछ सिलेक्ट मर्चेंट्स, ब्रांड्स और प्लेटफॉर्म पर 20 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं हर 150 रुपये के खर्च पर। और ये ब्रांड्स एंड प्लेटफॉर्म्स हैं मिंत्रा, रिलायंस डिजिटल, मार्क्स एंड स्पेंसर एंड नाइका। और ये जो 5x पॉइंट्स मिलते हैं ब्रांड्स और प्लेटफॉर्म पर एक कैलेंडर मंथ में, उस पर कंबाइंड कैप है 5000 रिवॉर्ड पॉइंट्स की। 5000 रिवॉर्ड पॉइंट्स के बाद आपको बेस रिवॉर्ड रेट के हिसाब से पॉइंट्स मिलते हैं। अब HDFC के स्मार्ट बाय प्लेटफॉर्म के थ्रू एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स की बात करें तो आपको सिलेक्टेड मर्चेंट्स, ब्रांड्स या कैटेगरी ऑफ स्पेंस पर एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स आप अर्न कर सकते हैं। तो अगर आप स्मार्ट बाय प्लेटफॉर्म के थ्रू होटल बुकिंग करते हैं या मेक माई ट्रिप पर होटल बुकिंग करते हैं या IGP.com से शॉप करते हैं तो आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, यानी कि हर 150 रुपये के खर्च पर 40 रिवॉर्ड पॉइंट्स। इंस्टेंट वाउचर्स, फ्लाइट्स, इमेजिन ट्रेसर और रेड बस के स्पेंस पर आपको 5x पॉइंट्स मिलते हैं, यानी हर 150 रुपये के खर्च पर 20 रिवॉर्ड पॉइंट्स। IRCTC और फ्लिपकार्ट के स्पेंस पर 3x पॉइंट्स, यानी हर 150 रुपये के खर्च पर 12 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। ये जो बेस रिवॉर्ड पॉइंट्स के ऊपर एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं, यानी 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स के ऊपर जो भी एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं वो आपको 90 वर्किंग डेज के अंदर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं, प्लस एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पॉइंट्स जो आप स्मार्ट बाय के थ्रू अर्न करते हैं उन पर कैपिंग भी रहती है। आप एक दिन में मैक्सिमम 2000 एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न कर सकते हो और एक कैलेंडर मंथ में मैक्सिमम 4000 पॉइंट्स। अब एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स के बाद बात करते हैं स्पेंड बेस्ड माइलस्टोन बेनिफिट की। तो अगर आप कार्ड इश्यू होने के 90 दिन के अंदर 1 लाख रुपए का खर्चा करते हैं तो आपको एक साल की क्लब विस्तारा सिल्वर टायर मेंबरशिप मिलती है और एक साल की MMT ब्लैक एलीट मेंबरशिप मिलती है। क्लब विस्तारा सिल्वर टायर में आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री 1 क्लास अपग्रेड वाउचर मिलता है। इससे आप इकोनॉमी क्लास टिकट को प्रीमियम इकोनॉमी टिकट में अपग्रेड कर सकते हैं या प्रीमियम इकोनॉमी टिकट को बिजनेस क्लास टिकट में अपग्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको प्रायोरिटी चेक इन, एक्स्ट्रा बैगेज का बेनिफिट मिलता है। और जब आप विस्तारा से ट्रैवल करते हो तो आपको हर 100 रुपए के खर्च पर 9 CV पॉइंट्स मिलते हैं। तो सपोज आपकी टिकट 5000 रुपए की आई है तो आपको 450 CV पॉइंट्स मिलेंगे।
ये सीवी पॉइंट से आप टिकट बुक या अपग्रेड कर सकते हैं। अब अगर बात करें MMT ब्लैक मेंबरशिप की, तो आपको कुछ सिलेक्ट होटल बुकिंग्स पर 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलता है और फ्री रूम अपग्रेड्स, डिस्काउंट ऑन फूड एंड बेवरेजेस सिलेक्ट होटल्स पर मिलता है। ये दोनों मेंबरशिप आपको सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही मिलती है। इसके अलावा कुछ और स्पेंड बेस्ड माइलस्टोन बेनिफिट भी मिलते हैं। तो अगर आप एक कैलेंडर क्वार्टर में 1.5 लाख रुपए का खर्चा करते हैं तो आपको एक 1500 रुपए का गिफ्ट वाउचर मिलता है और ये गिफ्ट वाउचर आप मैरियट, मिंत्रा, मार्क्स एंड स्पेंसर एंड रिलायंस डिजिटल में से किसी का भी चूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कार्ड एनिवर्सरी ईयर में 5 लाख रुपए के स्पेंड करते हैं तो आपको एक 5000 रुपए का फ्लाइट वाउचर मिलता है और अगर आप 7.5 लाख रुपए का खर्चा करते हैं तो आपको एक और 5000 रुपए का वाउचर मिलता है। तो ये थे इस कार्ड के स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स। अब बात करते हैं जो रिवॉर्ड पॉइंट्स आपने अर्न किए हैं उन्हें कैसे रिडीम कर सकते हैं। तो पहले तो आप ये ध्यान रखें कि रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैलिडिटी होती है 2 साल की। अब बात करते हैं कि आपके पास क्या क्या रिडेम्पशन ऑप्शन है। तो अगर आप रिवॉर्ड पॉइंट्स को कैशबैक यानी स्टेटमेंट क्रेडिट में रिडीम करते हैं तो आपको एक पॉइंट की वैल्यू मिलती है 20 पैसा। आप मैक्सिमम 50,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही रिडीम कर सकते हैं कैशबैक में एक कैलेंडर मंथ में। अगर आप इन पॉइंट्स को प्रोडक्ट कैटलॉग या वाउचर्स के अगेंस्ट रिडीम करते हैं तो आपको एक पॉइंट की वैल्यू मिलती है 35 पैसा। आप सिलेक्ट प्रोडक्ट्स एंड वाउचर्स पर उसकी वैल्यू का 70% ही पॉइंट से पे कर सकते हैं, बाकी 30% आपको अपने कार्ड से पे करना पड़ेगा। आप इन पॉइंट्स को प्रीमियम ब्रांड्स के प्रोडक्ट कैटलॉग के अगेंस्ट भी रिडीम कर सकते हैं, वहां आपको 1 पॉइंट की वैल्यू मिलती है 65 पैसा। नेक्स्ट ऑप्शन है कि आप इन पॉइंट्स को स्मार्ट बाय प्लेटफॉर्म पर फ्लाइट्स एंड होटल्स के अगेंस्ट रिडीम कर सकते हैं। इस केस में आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू मिलेगी 50 पैसा, पर जो फ्लाइट्स और होटल बुकिंग्स की जो वैल्यू है उसका 70% ही आप अपने पॉइंट से पे कर सकते हैं, बाकी 30% आपको अपने कार्ड से ही पे करना पड़ेगा। आप एक कैलेंडर मंथ में मैक्सिमम 50,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही रिडीम कर सकते हैं अगेंस्ट फ्लाइट्स और होटल बुकिंग्स। लास्ट रिडेम्पशन ऑप्शन है कि आप इन पॉइंट्स को एयर माइल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको 1 पॉइंट की वैल्यू मिलती है 0.5 माइल्स। आप इन पॉइंट्स को क्लब विस्तारा, सिंगापुर एयरलाइन के क्रिस्प फ्लायर और इंटर माइल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और कई सारी एयरलाइंस जैसे कि ब्रिटिश एयरवेज, एयर कैनेडा, एटिहाड एक्सेट्रा के साथ पार्टनरशिप है HDFC बैंक की, लेकिन अभी ये क्लैरिटी नहीं है कि इन एयरलाइंस पर क्या रिडेम्पशन रेशियो रहेगा। तो ये थे इस न्यूली लॉन्च रिगालिया गोल्ड कार्ड के फीचर्स एंड बेनिफिट्स। कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाया है HDFC बैंक ओवर रिगालिया इस कार्ड में, जैसे कि सिलेक्ट मर्चेंट्स पर आपको 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं और साथ में जो माइलस्टोन बेनिफिट इंट्रोड्यूस किया है वो भी ठीक है, लेकिन अभी भी हमारे हिसाब से नॉन स्पेंड बेस्ड बेनिफिट में कोई मूवी बेनिफिट हो सकता था। और स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स की बात करें तो जो 5x मर्चेंट्स हैं वो थोड़े और बेटर हो सकते थे, जैसे कि Amazon हो सकता था या स्विगी या Zomato हो सकता था या कोई ग्रोसरी प्लेटफॉर्म जैसे कि बिग बास्केट या ब्लिंकिट हो सकता था। इस कार्ड का मिनिमम रिटर्न रेट है 0.5% एंड इट कैन बी एज हाई एज 8.67%। इन रियल लाइफ आप अराउंड 2.5-3% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि मार्जिनली बेटर है करंट रिगालिया कार्ड से। थोड़ा सा और अगर रिटर्न में इंप्रूवमेंट हो जाता तो ये कार्ड काफी अच्छा हो जाता। ये सब ध्यान में रखते हुए हम इस कार्ड को रेट करेंगे 3/5। यहाँ खत्म होती है ये वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें कार्ड अकेडमी।